नमस्कार, मैं विजय कुमार शाह आपका स्वागत करता हूँ कुछ भी ज्ञान में। आज हम लोग बात करेंगे पेटीएम के बारे में, ठीक है, और जानेंगे कि पेटीएम में फीचर सब क्या क्या है और हम लोग पेटीएम में अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों के पास पेटीएम नहीं है तो आप लोग जाके प्ले स्टोर में डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, आपको जाना है प्ले स्टोर में, ठीक है, प्ले स्टोर में जाने के बाद वहां पे लिखना है पेटीएम, ठीक है, पेटीएम। देखिए यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे दिखा रहा ओपन, मतलब मेरे मोबाइल में पहले से ही पेटीएम इसलिए ओपन दिखा रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पेटीएम ओपन करते हैं। देखिए अब हम लोग का पेटीएम ओपन हो गया, तो यहाँ पे दे रहा है चॉइस लैंग्वेज, हम लोगों को भाषा चुनना है, ठीक है, तो मैं इंग्लिश में ही रहने देता हूँ। देखिए अब आ गया हमारे सामने में रजिस्टर्ड पेटीएम मोबाइल नंबर। अगर आप पहले से इसमें लॉगिन है तो आपको यहाँ पे रजिस्टर मोबाइल नंबर देना और पेटीएम पासवर्ड देना। अगर आप रजिस्टर नहीं है और आपने अकाउंट नहीं बनाया तो यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट ए न्यू अकाउंट, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने। फिर उसके बाद आपको करना क्या है कि सिंपली अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर आपको अपना एक अच्छा सा पासवर्ड डालना है चुन के। तो आपको सिंपली इसमें मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है, फिर आप एक अच्छा सा पासवर्ड चुन के आपको अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है, न्यू पासवर्ड, ठीक है। फिर आपका जो ईमेल है आप वहाँ पे ईमेल डाल सकते हैं अपना ईमेल। ईमेल डालने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे क्रिएट ए न्यू अकाउंट मारना है, ठीक है। फिर आपके पास एक ओटीपी नंबर आएगा जो कि आपको वहाँ पे डालना है, और फिर वहाँ पे जो सिलेक्ट बटन दिया वहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, ठीक है, आपका अकाउंट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा, न्यू अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। चलिए, मेरा तो इसमें पहले से अकाउंट है तो मुझे न्यू बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं अकाउंट में पहले से लॉगिन हो जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ लॉगिन टू पेटीएम, ठीक है, मैं इसमें क्लिक करता हूँ। करने के बाद मैं अपना मोबाइल नंबर इसमें, जो मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मैं उसमें डालता हूँ। डालने के बाद मैं अपना पेटीएम जो मेरा पासवर्ड है मैं डालता हूँ उसमें। फिर मैं लॉगिन कह देता हूँ, ठीक है। देखिए अब मैं लॉगिन हो गया हूँ और पेटीएम में पूरी तरह से खुल गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर में यहाँ पे मतलब बहुत सारे फीचर सब दिए गए हैं पेटीएम के बारे में, जो मैं आज बताने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, ठीक है, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थ्री लाइन दिया गया, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं जो आप कर सकते हैं खुद से, ठीक है, पढ़ के कर सकते हैं। अब मैं बेसिक की बात करूँगा कि सबसे पहले आता है तो हम लोग पैसा कैसे मतलब भेज सकते हैं किसी और में, ठीक है, किसी और का पेटीएम अकाउंट में पैसा हम लोग कैसे भेज सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। देखिए मेरा कैमरा मतलब खराब है, इसलिए मेरा कैमरा शो नहीं कर रहा, पर यहाँ पे बॉक्स सा खुला हुआ है जो शो कर रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्कैन क्यूआर। ये आपका जो क्यूआर स्कैन आप लोग जानते होंगे, उसको स्कैन करके अगर आप यहाँ अपने कैमरा को उसके सामने ले जाएंगे तो आपका जो मतलब आपका जो भी दोस्त होगा उसका पूरा डिटेल इसमें आपके फोन में दिखाएगा और आप उसको इजीली पैसा भेज सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन है मोबाइल नंबर, ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है, ऐसा इंटरफेस आएगा, आप अपने दोस्त का मोबाइल नंबर डालिएगा जिसको आप पैसा भेजना चाहते हैं, फिर जितना पैसा भेजना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे डालिएगा, ठीक है। भेजने के बाद
या आपको लिखने को कुछ जरूरत नहीं, सीधा आप प्रोसेस कर दीजिएगा, ठीक है। प्रोसेस करने के बाद आप जितना अमाउंट भेजना चाहते हो आपके दोस्त के अकाउंट में, पेटीएम अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। फिर अब आता है दूसरा अकाउंट, पासबुक, ठीक है। पासबुक में हम लोग चलते हैं, मैंने पासबुक में क्लिक कर दिया था तो मेरा बैलेंस दिखा रहा है 19 रुपये, ठीक है, क्योंकि मेरा बैलेंस इसमें 19 रुपये है, इसलिए मेरा 19 रुपये दिखा रहे हैं। अगर आप वॉलेट में जाते हैं तो आपको पूरा डिटेल मिलेगा कि आपको पैसा कहाँ से मिला है, कहाँ से नहीं मिला है, ठीक है। पैसा आप चाहेंगे तो इसमें पैसा ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बैंक का पासबुक नहीं होता, वो ऐसे पेटीएम का पासबुक है, ठीक है। और फिर इसमें नया फीचर आता है आपका UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। इससे थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि बैंक टू बैंक पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, भी बहुत जल्दी। इसमें मतलब एक नया फीचर जो ऐड हुआ है पेटीएम में, बहुत ही जल्दी बैंक टू बैंक मतलब पैसा आप ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत ही जल्दी, ठीक है। और आपको कोई भी बैंक में आप ट्रांसफर कर सकते हैं UPI के जरिए, ठीक है। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ इसका इंटरफेस कैसे, आप देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाएगा आपसे सामने, देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ UPI QR कोड, ठीक है। आप इसके साथ भी कोड को स्कैन करके पैसा भेज सकते हैं, ठीक है। कहीं पे भी देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ सेंड मनी, फिर यहाँ पे लिखा हुआ रिक्वेस्ट मनी, ठीक है। आप किसी को पैसा भेज सकते हैं और किसी को रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं मनी के लिए, ठीक है। फिर जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है लिंक आधार कार्ड। ये भी मतलब नया अभी अपडेट हुआ है पेटीएम में, पहले तो नहीं था। मतलब आप इससे आधार कार्ड को लिंक भी करवा सकते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है दूसरा एड मनी। एड मनी में मतलब बेसिक कुछ नहीं है, बस इसमें आपको अमाउंट ऐड करना है, ठीक है। आपको 50 रुपये ऐड करना है, ठीक है, मैंने कह दिया। फिर यहाँ पे क्लिक करना है एड मनी में, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसमें ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। ऐसा आपका आधार कार्ड आपका नंबर मांगेगा, ठीक है। SBI का मतलब कुछ भी क्रेडिट कार्ड हुआ या डेबिट कार्ड हुआ कुछ भी मांगेगा, आपको यहाँ पे डालना है। फिर आप अपना इसमें मतलब कार्ड का डिटेल भरिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। आप किसी से भी पैसा मतलब चाहेंगे तो आपका जिसमें अकाउंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है लिफा। इसका तो बेसिक कुछ काम नहीं है, इसको छोड़ देते हैं हम, ठीक है। आप मतलब जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसी के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। फिर आता है एक्सेप्ट मनी, ठीक है। आप इसमें क्लिक कीजिए। इसमें क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, इसमें भी QR जो कोड है उसको स्कैन किया जा सकता है, या फिर मोबाइल के थ्रू आप उसको पैसा भेज सकते हैं, ठीक है। आप पैसा ले सकते हैं, जैसे कि मैं उस समय बता रहा हूँ, तो कैमरा ओपन हुआ था पे मनी में, तो इसी आपके दोस्त के मोबाइल में कैमरा ओपन होगा। कैमरा ओपन होने के बाद ये जो QR स्कैन है वो स्कैन होगा, उसके बाद आप मतलब वो जितना भी पैसा मतलब भेजना चाहते हो आप मतलब आपका फ़ोन का पूरा डिटेल उसके फ़ोन में चला जाएगा, और वो जितने भी पैसा आपको भेजना चाहते हो वो भेज सकते हैं। और इसका सबसे खास बात यह है कि ये जो भी मतलब आप भेजते हैं पैसा या फिर पैसा एक्सेप्ट करते हो बिल्कुल फ्री होता है, ठीक है। एक भी चार्जेस यहाँ पे नहीं कटता। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0% फी, 0% चार्जेस लिखा हुआ है। देखिए आप यहाँ पे कुछ भी नहीं, पूरा मतलब हर चीज़ यहाँ पे फ्री और कुछ भी चार्ज नहीं कटता। पेटीएम का एक चीज़ बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और एक बात है, अगर आप पेटीएम से कुछ भी रिचार्ज करते हैं तो उसका कैशबैक भी आपको मिलता है वापस, देखें, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, जैसे मोबाइल, इलेक्ट्रिसिटी, DTH, ऐसा बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं जिससे आप मतलब आप कुछ भी बिल पे कर सकते हैं, ठीक है, और उसका आपको कैशबैक भी मिलता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पे मोबाइल पोस्टपेड बिल्स ऑन पेटीएम विन 1 लाख कैशबैक, ठीक है। उसका कोड भी दिया गया है, अगर आप कुछ भी मतलब पे करते हैं इसमें क्लिक करके, ठीक है। तो अगर आप पे करना चाहते हो तो यहाँ से पे कर सकते हैं।
फिर उसके बाद देखिए, अगर आप चाहेंगे तो यहाँ से मूवी का टिकट भी बुक करा सकते हैं, ट्रेन टिकट हुआ, बस हुआ, फ्लाइट का हुआ, जो भी हुआ आप यहाँ से मतलब बुक करा सकते कर सकते हैं, बाइक भी, बाइक हुआ, होटल हुआ, बुक करा सकते हैं, और आपको इसका कैशबैक भी मिलता है। ठीक है, कोई भी आप अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हैं पेटीएम से, या फिर इसका एक नया ऐप आया है पेटीएम मॉल, अगर आप वहाँ से भी खरीदते हैं तो आपको कैशबैक मिलता है। ठीक है, तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैशबैक कैसे मिलता है। ठीक है, मैं पेटीएम के ऊपर और एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई तो कृपया मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो क्यों समझ में नहीं आई, ताकि मैं अपने आने वाले वीडियो में दोबारा से वही गलती ना कर सकूं। ये चैनल अभी अभी नया है, तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।